की बेर की कथा के नाम से प्रसिद्ध है। माता शबरी अपने गुरु से आशीर्वाद के लिए प्रभु राम से मिलती हैं और भगवान राम उन्हें नौ भक्ति का ज्ञान देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री कमलनाथ जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी की ओर से एक आत्मीय स्वागत अभिनंदन होना चाहिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे मंच पर हमारे प्रदेश के मुखिया श्री कमलनाथ जी। और इसी के साथ मेरा विनम्र निवेदन है बेहद श्रद्धा और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भक्त शिरोमणि माता शबरी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन में आप अगुवाई करें और आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय तरुण भनोत जी, साथ ही साथ जिले के प्रभारी मंत्री ढिंडोरी के विधायक और हम सबके लाडले मंत्री माननीय ओंकार सिंह मरकाम जी, माननीय भूपेंद्र मरावी जी विधायक शाहपुर, माननीय डॉक्टर अशोक मसकोले जी, माननीय ओंकार सिंह मरकाम जी आदिम जाति एवं कल्याण मंत्री, श्री लखन घनघोरिया माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती ज्योति प्रकाश धुर्वे जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायक शाहपुरा भूपेंद्र मरावी जी विधायक निवास डॉक्टर अशोक मसकोले जी, माननीय विधायक नारायण सिंह पट्टा विधायक बिछिया, माननीय विधायक पुष्पराजगढ़ फुंदेलाल सिंह मार्को, माननीय विधायक कोतमा श्री सराफ जी, माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री वीरेंद्र बिहारी शुक्ल जी, आप सभी के सहयोग से भक्त शिरोमणि माता शबरी के मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन ताकि इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा सके। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री वीरेन बिहारी शुक्ला जी हमारे साथ हैं। माता शबरी जी का पूजन, उन पर माल्यार्पण, अपने श्रद्धा सुमन, अपनी अगाध श्रद्धा, इस पतित पावन भूमि के प्रति अपनी श्रद्धा, मंच पर थोड़ा सा स्थान मीडिया कर्मियों के लिए देंगे ताकि वे अपने कार्यक्रम का कवरेज कर सकें। अपार जनसमूह इस बात का द्योतक है, परिचायक है कि आप सभी को अपनी सरकार से प्रेम है, अपनी सरकार के प्रति आपका सम्मान है। इस अपार जनसमूह में बेमौसम की वर्षा के बाद आप यहां एकत्रित हुए। भक्त शिरोमणि माता शबरी के ऊपर माल्यार्पण पुष्प अर्पित करने के बाद, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सभी माननीय अतिथिगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का पुष्पहार से स्वागत करने के लिए मैं बेहद श्रद्धा और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय ओंकार सिंह मरकाम जी, स्थानीय विधायक श्री भूपेंद्र मरावी जी एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए कैबिनेट मंत्री माननीय ओंकार सिंह मरकाम जी, श्री भूपेंद्र मरावी जी स्थानीय विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जी, बेहद आत्मीय स्वागत सम्मान आप सभी की ओर से यह स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बैंगनी जैकेट, जो कि बैगा जैकेट के नाम से स्थानीय परिधान के रूप में एक सम्मान का प्रतीक है, आप सभी की ओर से यह सम्मान, ये पुष्पगुच्छ, आप सभी की शुभकामनाएं इस सम्मान और स्वागत में जुड़ी हुई हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि, प्रदेश के मुखिया को स्थानीय ताज यहां पहनाया गया।
बेहद आत्मीयता के ये पल, बेहद अपनापन, प्रदेश के हर कोने में जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं इसी अपनेपन के साथ वहां के लोगों से मिलते हैं। ये इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हमारे साथ एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जो लोगों की भावनाओं को, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है मंच पर उपस्थित लोगों से, कृपया मीडिया कर्मियों को कवरेज के लिए स्थान दें। सामने की ओर जो अधिकारी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कृपया मीडिया कर्मियों के लिए स्थान दें। और इसी के साथ प्रभारी मंत्री माननीय तरुण भनोत जी का पुष्पहार से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं स्थानीय विधायक श्री भूपेंद्र मरावी जी को। माननीय प्रभारी मंत्री, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छाएं, अपनी शुभेच्छाएं, प्रदेश शासन का खजाना खोलकर ये तीर चलाकर आपको एक संकेत दिया। यह मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक प्रकार से सांकेतिक रूप से लिया जाना चाहिए कि ये धन वर्षा हो रही है इस अंचल के ऊपर, डिंडोरी के ऊपर। ये संकेत दिया उन्होंने कि मध्य प्रदेश शासन के खजाने डिंडोरी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। 13 योजनाओं का लोकार्पण, 8 का भूमि पूजन, ये तीर था प्रतीक कि डिंडोरी मध्य प्रदेश शासन की नजर में बहुत आगे है। बेहद अपनेपन का ये क्षण हर कोई जैसे स्वागत करना चाहता है दिल से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का। संपूर्ण स्थानीय परिधान परिवेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, और इसी के साथ प्रभारी मंत्री माननीय तरुण भनोत जी का पुष्पहार से स्वागत करने के लिए मैं बेहद सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं स्थानीय विधायक श्री भूपेंद्र मरावी जी। तेजस्विनी ग्रामीण विकास महिला महासंघ एवं तेजस्विनी नारी चेतना महिला संघ से एवं ग्रामीण आजीविका मिशन से श्रीमती फूलवती टेकाम, श्रीमती रेखा पद्राम, श्रीमती रंजना लोरिया एवं श्रीमती रमा देवी माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान यहां पर मंच पर करेंगी। मध्यप्रदेश शासन के मंत्री माननीय लखन घनघोरिया जी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत सम्मान। भूपेंद्र मरावी जी पुष्पगुच्छ से श्री लखन घनघोरिया माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन का सम्मान करेंगे। जन जन की ओर से आप सभी पधारे हुए अपार जन समुदाय की ओर से ये स्वागत, ये सम्मान प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का। कुछ स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए जा रहे हैं ताकि ये कार्यक्रम एक स्मरण के रूप में उनके साथ रहे। और इसी के साथ जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था, मध्य प्रदेश शासन आप सभी के लिए
क्या योजनाएं लेकर आया है उसके उद्बोधन की परंपरा एक होती है अतिथि देवो भव। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित मीडिया कर्मियों से, अधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया मंच के अग्रभाग से सभी हट जाएं। समस्त जनप्रतिनिधियों का आप सभी की ओर से यहां पर स्वागत और सम्मान। सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक शाहपुरा श्री भूपेंद्र मरावी जी को, वे आए और आप सभी को अपने उद्गार उनसे अवगत कराएं। श्री भूपेंद्र मरावी जी, माननीय विधायक शाहपुरा। मंच पर उपस्थित सभी अधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया मंच के अग्रभाग से। दूरी बनाकर रखें। मंच पर उपस्थित जिला प्रशासन के अधिकारी, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मंच की व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग करें। जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों से मेरा